सारे आसनसोल का हाटन रोड, जिसे आप हार्ट अटैक रोड भी कह सकते हैं, पिछले दिनों यानी 20 जनवरी 2023 से गिरजा मोड़ जीटी रोड से आश्रम मोड़ जीटी रोड तक टोटो ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। शासन और प्रशासन की सख्त हिदायत पर आके सार आसनसोल को जाम से बचाया जा सके, लेकिन हाटन रोड का मसला जू का तू बना हुआ है। हाटन रोड को आप शहर का लाइफ लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि जिला अस्पताल हाटन रोड से होकर ही जाता है। हाटन रोड से हॉस्पिटल तक रोड के दोनों तरफ दुकान, फुटपाथ, दवा से लेकर चाय की दुकान, बड़े बड़े स्कूल से लेकर पार्टी ऑफिस तक, बैंक से एटीएम से लेकर रोजमर्रा की चीजें फुटपाथ पर हाटन रोड के दोनों तरफ मिलेंगे। इसी दौरान दिन भर तकरीबन 500 एम्बुलेंस का रोजाना गुजर होता है। ट्यूशन और स्कूल बच्चे लाखों की तादाद में रोजाना इस रोड से आना जाना होता है। सिटी रोड हाटन रोड से हॉस्पिटल की दूरी तकरीबन 10 मिनट का है, लेकिन अगर आप जाना चाहे तो घंटों भी लग सकता है। साथ ही साथ इस रोड पर हजारों की तादाद में ऑटो, टोटो, रिक्शा, ठेला, सामान का लाना ले जाना सब कुछ इसी रोड से होकर जाता है। साथ ही साथ हजारों की तादाद में टू व्हीलर, फोर व्हीलर का भी आना जाना लगा रहता है। सबसे बड़ी बात, इस हाटन रोड पर मिनी बस रूट परमिट के साथ चलती है, जो जाम का खास वजह बनती है। तो सवाल पैदा होता है कि टोटो को जीटी रोड पर बंद कर देने से क्या जाम का मसला हल हो गया? मैं न्यूज दिन भर के माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूँ शासन और प्रशासन दोनों से, कि क्या वाकई हाटन रोड से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से एसबी गुराई रोड होते हुए आसनसोल कोर्ट तक जाम का मसला हल हो गया?